एक माँ बच्चों को जन्म देती है, प्यार करती है, प्रोटेक्ट करती है, अपनी जान दे सकती है बच्चों के लिए, उनके लिए मर सकती है, उन्हें मार भी सकती। वो कहावत तो आप सबने सुनी होगी, कर्म किए जा और फल की चिंता मत कर। लेकिन यहाँ निशा के कर्मों का जो फल मिल रहा है, ये बड़े ही चिंता का विषय हो गया है। आज निशा की ममता पर सवाल उठाया जा रहा है। उसी की बेटी को मारने के लिए साजिश रचने का इल्जाम निशा पर लगाया जा रहा है। उसे उसकी बेटी से मिलने देने के बजाय अस्पताल से धक्के मार कर बाहर निकाला जा रहा है। वो कहते हैं ना, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। निशा ने अब तक इतने बुरे काम किए हैं कि अब चाहे जो हो जाए, हर बुराई का मटका निशा पर ही फूटेगा। इसने बिनी को बोला हमारी में छुपने के, मैं से भागी आदि। क्या कर रहे हो कैसी माँ हो तुम? आप सब गलत समझ रहे हो मुझे, ऐसा कुछ नहीं। मैं बस उसके साथ डील कर रही थी क्योंकि वो रो रही थी फोन पे। तो बना से चल ना मार दूंगा तुझे। इसके पहले हुआ क्या है कि निशा को घर से निकाल दिया है, और ऑब्वियसली वो बुरी इंसान है, बट वो एक मदर है और मदर्स अच्छी या बुरी नहीं होती। मदर्स का लव अपने बच्चों के लिए बहुत स्ट्रांग और बहुत प्योर होता है। वो बात कर रही थी अपनी डॉटर से और वो भी रो रही थी, उसकी डॉटर भी रो रही थी। डॉटर को चुप कराने के लिए उसने बोला कि तुम जाके कबर्ड में छुप जाओ, फिर पापा ढूंढ नहीं पाएंगे और फिर मैं आऊंगी और मैं ढूंढ लूंगी, बट दैट बैकफायर्ड। यहाँ आदित्य निशा को इतना अपमानित कर रहा है, लेकिन निशा बाज आने वालों में से नहीं है। उसने खुलेआम आदित्य को चेतावनी दे दी है और ये भी कह दिया है एक माँ के ममता की ताकत क्या होती है, वो अब आदित्य को दिखाएगी। बस कर, वो मेरी भी बच्ची है, याद रखना आदित्य, तुम खुद गिड़गिड़ाते हुए मुझे घर में वापस आने के लिए कहोगे। राइट, बिकॉज उसको पता है कि अब एक माँ बच्चों के लिए जो होती है वो जगह कोई नहीं ले सकता। सो नाउ शी इज गोइंग टू यूज दैट प्लॉय एंड शी माइट जस्ट बी सक्सेसफुल इन दैट। आदित्य, निशा की इस ललकार को जरा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि एक तरफ आप जानवी के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, लेकिन निशा ऐसा होने नहीं देगी। इसीलिए इस मुसीबत का आपको कोई ना कोई तोड़ निकालना ही पड़ेगा, वरना आपकी और जानवी की लव स्टोरी आप तो भूल ही जाइए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।